हेलो, गुड आफ्टरनून। हम लोग अभी आया है कमिंग पुचुंग हारग्रा में। कमिंग पुचुंग हारग्रा में क्यों आया बोले से, क्योंकि हम लोग इधर लेने आया है सजो वाटर कैनल। सजो एक ये सी वीट टाइप का एक इसमें मिलता है, इधर एलगी इधर नदी में मिलता है, उसको कलेक्ट करना है। आए देखो क्यू वगैरह सब लेके आया है, पानी के अंदर से हम लोग कलेक्ट करेंगे, तो उसी के लिए आया है सजो में। वो नो दो ना सिंगम पाना होगा वो कभी पछुंग जा वो ये लिंग जाते ना सो सजो वो लो है ना कि कौन सा जग नो पाना सी जग। ओके शुरू करो ड्राइवर भाई, ठीक है ना। जो वो तो करने ये मिडिल पोर्शन का जो पत्थर है इधर तक पहुंचना हम लोग को, तो कितनी चल रहा है देखिए। हम दोनों यहाँ से जो वो तो करेगा। ड्राइवर साहब संभाल के चलाओ, बिल्कुल गिरना नहीं। हाँ गलती करने से पूरा खत्म, मोबाइल का पूरा खत्म। आराम से चलो पहुँच गए साइड। वो पत्थर लुका जो बीच है सी बीच या इसको रिवर बीच कह सकते हैं, वो लेने जा रहा है सजो। अभी ये देखिए, ये जितना देख रहे हो ये है सजो। ये जो आप ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये एलगी सी बीच उसी वैरायटी का है, इसी को कलेक्ट करता है। देखिए पत्थर ऊपर इतना सारा है तो इसको कलेक्ट करेगा अभी हम लोग। ये बहुत ही टेस्ट होता है, इसको लोकली हम लोग बोलता है सजो। तो अभी कलेक्ट कैसे करते हैं आपको दिखाएगा। देखिए ये हो गया, ये गया ये और छोटे वहाँ पहुँच गया। देखिए वो कॉर्नर में, अब यहाँ से ये लोग कलेक्ट करते हैं। आहा इसमें सैंड पार्टिकल्स भी बहुत आ जाता है कभी कभी, तो इसीलिए संभाल के आपको उठाना होगा ये बीच। बढ़िया यंप ऐसे है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको इस तरह से पानी को फेंकना है। वाह इतना बालू आ रहा है, इसमें सैंड पार्टिकल्स बहुत आ रहा है। इस तरह से इसको कलेक्ट करने के बाद इसको पानी को फेंकना है। देखिए बस ये इस तरह से कलेक्ट करता है, इस तरह से पानी को फेंकना है और इधर कलेक्ट करना है। देखिए तो देखते रहिए, ये इस तरह से प्रोसेस चलते रहेगा। यहाँ भी बहुत सारा है, हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं। बीज इस तरह से होता है, देखो इसका भी दो प्रकार का होता है, एक काने वाला और एक मोटा एक पतला। ये बीज जो है बहुत ही तेज होता है। सजोशी दमेम पिंगा म्यो ना को मानो चेंगराई, ये मीट से भी ज़्यादा टेस्टी होता है। ये समय में विंटर सीजन को ही आता है। और एक वीच से जो मिलता है नदी में उसको भी खाता है, बट वो टेस्टी नहीं होता है और ज़्यादा वो क्या होता है मजबूत होता है, होता है जिसका सॉफ्ट नहीं होता है, वो बहुत हार्ड होता है। तो ये वाला वीच जो है बहुत टेस्ट होता है, ये मीट का बराबर। देखिए इस तरह से अच्छा से देखिए, इस तरह से होता है। देखिए जो सी वीच होता है उसी प्रजाति का है, इसको कलेक्ट करके हम लोग खाते हैं। हम लोग लोकल में इसको बोलता है सजो। इस तरह से देखो इतना कलेक्ट कर लिया है, तो सजो इस तरह से कलेक्ट करना है, फिर ले जाकर फिर दोबारा दुला के इसको खाना है। तो वहाँ में छोटे भाई देखिए वो कलेक्ट कर रहा है उधर वो पत्थरों को, और मैं यहाँ बैठा कलेक्ट कर रहा पानी के बीचों बीच। देखिए पानी के बीचों उधर पानी इधर पानी के बीचों बीच में मैं बैठ के कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये है कमिंग पुचुंग जॉइंट, इस एरिया में हम कलेक्ट कर रहे हैं।
एरिया में मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, हम और मेरे छोटे भाई, मैं और मेरे छोटे भाई, हम दोनों ये बीच कनेक्ट करने आए हैं, तो देखते रहिए और कलेक्ट करते हैं। देखिए ऐसी बीच इस तरह से होता है, आपको दिखाते हैं ऐसी बीच इस तरह से होता है। देखिए ये है सुजू, होता है पट्टा टाइप से होता है, जैसे आप समुद्र में सी वीट देखता है उसी प्रकार से होता है। देखिए अच्छे से ध्यान से देखिए, अभी इसको निकलेगा आराम से, देखो सैंड पार्टिकल्स भी इतना आ जाता है इस तरह से निकलेगा वह यहाँ में, इसको आराम से पे नामना भी के नेते दोना भी के सजोशी पे ए भी के, इसको कलेक्ट करने में बहुत सारा, देखिए इतना पकड़ने से बस इतना तोड़ा आता है, ये स्लिपरी होता है स्लिपरी, इसलिए इसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए इतना तोड़ा तोड़ा आता है, बस दो घंटा के बाद इतना ही मिला। देखिए बहुत मुश्किल है कलेक्ट करने, कंटिन्यू कर रहा है तो देखते रहिए। तो धीरे से इधर से उतारना, ऐसा धीरे से उतारना बस, इसको धीरे से, क्योंकि अंदर परसेंट आपको मिल जाएगा इसीलिए, तो धीरे धीरे से ऐसे कलेक्ट करना। देखिए पानी के बीचों बीच पत्थर के ऊपर खड़ा होके छोटे भाई कलेक्ट कर रहा है। देखिए देखो पूरा पूरा बीच गिर गया, ओह पूरा गिर गया। देखिए मैंने भी कलेक्ट कर लिया है भर्ती, इसमें पूरा फुल हो गया। देखिए पूरा कलेक्ट किया है, ये फी सी वी जो समुद्र में मिलता है सी वीच उसी की तरह होता है। देखिए इधर देख सकता है, क्या देखिए ये है, ये जो अभी निकला है पट्टा का जैसा होता है, ये जैसे काई बोलता है हिंदी में बोले तो काई जम जाता है पत्थर के ऊपर, उसी को हम लोग सजो बोलता है, तो हम लोग काता है लोकली, हम लोग काता है एक, हम लोग इधर ट्रैवल एरिया में इस तरह कलेक्ट करके नदी से आया करता है, इसमें बहुत सारा सैंड पार्टिकल भी मिलता है, उसको फिर दोबारा अच्छा से धुलाने के बाद कभी इसको खा सकता है, नहीं तो इसका सैंड पार्टिकल भी बहुत मिलेगा। हाँ देखिए ये देखिए ये है, चलो आज हम लोग क्या लेने आए हैं बताओ। सजो सजो चिपलम बोल रहा है, चिपलम अच्छा खोल के दिखा दो। ये आज हम दोनों का मेहनत, दो डिब्बा मिला है। देखिए चिपलम सजो, देखो यार एक डिब्बा, देखो दो डिब्बा मिला है हम दोनों को आज, तो अभी ये हम दोनों का हो गया है। अभी यहाँ से ये रिवर को क्रॉस करके उस पार निकलना है हम दोनों को, हम दोनों का कुछ ऑलमोस्ट हो गया है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग के भाषा में ट्रेडिशनली आपका लोकल भाषा में इसका नाम क्या है। हम लोग बोलते हैं सजो और मुंपा में चिपलम, तो इस तरह से बहुत सारा जो ट्राइब का आप लोग कहता है कि नहीं है कमेंट करके बताइए। किस तरह से उनको क्रॉसिंग करता है रिवर, किनारे निकल गया। देखिए वाह या तक गया या। तो ये ब्लॉग यही तक था, देखते रहिए नेक्स्ट ब्लॉग में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच.